दोस्तों आप भी विराट कोहली को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों वनडे वर्ल्ड कप से जिम्बाब्वे हुआ बाहर तो खुशी से पागल होते हुए पाकिस्तानी दिग्गजों ने भारत के खिलाफ उगला जहर। जी हां दोस्तों, वनडे वर्ल्ड कप के क्वालिफायर में जिम्बाब्वे की टीम को शर्मनाक हार मिली, जिसके चलते वनडे वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे की टीम नहीं पहुंच पाई। और ऐसे में पाकिस्तान के दिग्गजों ने भारत को धमकाते हुए एक ऐसा जहरीला बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। तो आखिरकार पाकिस्तान के दिग्गजों ने भारत को धमकाते हुए क्या कहा, ये तो आपको बताएंगे ही। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली और बाबर आजम में से कौन है बेहतरीन खिलाड़ी, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको बताया, वनडे वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफायर मुकाबले जिम्बाब्वे की धरती पर खेले जा रहे हैं। इस दौरान आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2023 का एक जबरदस्त सुपर सिक्स मैच बुलावे में स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे के बीच हुआ। इस कांटेदार मुकाबले को स्कॉटलैंड ने 31 रनों से रोमांचक अंदाज में जीता। स्कॉटलैंड ने जिम्बाब्वे को नॉकआउट कर दिया। वहीं स्कॉटलैंड चौथी बार वर्ल्ड कप खेल सकता है, तो दूसरी तरफ जिम्बाब्वे की टीम भी वनडे वर्ल्ड कप खेलने में नाकामयाब रही है। इससे पहले वेस्ट इंडीज का भी जिम्बाब्वे की तरह वर्ल्ड कप खेलने का सपना टूट चुका है। ऐसे में जिम्बाब्वे की हार के बाद पाकिस्तानी दिग्गज काफी ज्यादा खुश हो गए। पाकिस्तानी दिग्गजों ने खुशी से पागल होते हुए भारत को धमकाकर जहरीला बयान जारी कर दिया है, जिसमें वसीम अकरम ने बयान देते हुए कहा है कि जिम्बाब्वे की टीम वनडे वर्ल्ड कप में खेलने नहीं वाली है। ऐसे में पाकिस्तान की टीम काफी ज्यादा मजबूत हो चुकी है, क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम के खिलाफ हमें पिछले वर्ल्ड कप में हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में जिम्बाब्वे की टीम इस बार खेल ही नहीं रही, जिसके चलते अब हमें जीतने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। ऐसे में इस बार वनडे वर्ल्ड कप हमारे नाम अवश्य होगा। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि जिम्बाब्वे की टीम से हमें थोड़ा बहुत खतरा था, क्योंकि उनके कुछ खिलाड़ियों ने हमें परेशान किया था, लेकिन अब हमारी टीम पूरी तरीके से तैयार होती है। ऐसे में हमारी टीम को जीतने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो वहीं शाहिद अफरीदी ने बयान देते हुए कहा कि वनडे वर्ल्ड कप के अंदर हमें सिर्फ जिम्बाब्वे से बचने की जरूरत थी, क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम कभी भी मुकाबले को पलटना जानती है और वो उलटफेर करने में माहिर है, जैसा कि पिछले साल हमारे संग देखने को मिला था। ऐसे में अब हमारी टीम काफी ज्यादा मजबूत हो चुकी है, क्योंकि जिम्बाब्वे वनडे वर्ल्ड कप नहीं खेलने वाला। ऐसे में हमारी टीम को जीतने से अब कोई नहीं रोक पाएगा। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि अब भारतीय टीम को भी हमसे बचकर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम से न खेलकर हमारी टीम अपने आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ चुकी है। ऐसे में भारतीय टीम हमसे बचकर रही है। तो वहीं शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा है कि वनडे वर्ल्ड कप के अंदर हमें जिम्बाब्वे से बचने की आवश्यकता थी, लेकिन किस्मत के सहारे हमारी टीम को काफी ज्यादा फायदा मिल गया, क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम अब वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। ऐसे में अब जिम्बाब्वे की जगह पर कोई और टीम आएगी जो हमें परेशान नहीं कर पाएगी। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि ऐसे में अब हमारी टीम काफी ज्यादा मजबूत हो चुकी है और भारतीय टीम को हमारे सामने हारने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ जिम्बाब्वे की टीम परेशान कर सकती है, लेकिन वो भी अब बाहर हो चुकी है। ऐसे में भारतीय टीम हार के लिए तैयार रहे और हमारी टीम इस बार वर्ल्ड कप जरूर जीतेगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इस बार पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में फाइनल तक पहुंच सकती है या नहीं, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।